सबके आगे झुकना पड़ेगा। हुई बात जस्टिस लागू करो, बेनामली 1996 से लागू करो, लागू करो। चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ। 1996 से लागू करो, लागू करो। हुई बात जस्टिस, हुई बात जस्टिस। सर हमारे साथ पे अनामली जो फिफ्थ पे कमीशन 1196 से लेकर आज तक हमारे साथ 20-21 साल हो गए, ये बेइंसाफी हुई है और इसको आज तक किसी भी हुकूमत ने इसको दूर करने की कोशिश नहीं की, तो लिहाजा हम मजबूर होकर तो ये धरने और प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। हमें अभी रिसेंटली मैडम जी से मिले थे तो उन्होंने बोला था कि भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको ये जो 5-6 लाख करोड़ पे आए ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला था कि श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ जाकर क्लैरिकल स्टाफ की होगी और उसमें आपकी भी की जाएगी। हमें उम्मीद है कि शायद ये इस दफ़ा हमारे साथ कोई इंसाफ करेंगे, लिहाजा मुझे लगता नहीं है। अब ये देखो कि हमारे पुलिस महकमे को इन्होंने आज तक लावारिस महकमा ही समझा हुआ है, जैसे कि अभी इन्होंने हार्डशिप तो 10% देना किया था, 10 के बाद 20% का अनाउंस हुआ था, अब उस 10% से इन्होंने 7% काट दिया और 3% इनको दे दिया हाजिर सर्विस वालों को, उनमें भी बेचैनी और बादियत है। तो इससे मजबूर होकर वो भी ये ना हो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि वो भी स्ट्राइक पर आ जाए, हड़ताल पर आ जाए, तो उस वक्त गवर्नमेंट ये हमें नहीं बोलेगी कि भाई इन्होंने स्ट्राइक की, इसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के सर पर होगी और इस जो बेइंसाफी को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।